हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम परिवर्तनी एकादशी के बारे में जानेंगे। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा, जल झूलनी, डोल ग्यारस और परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु निद्रासन में अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का विधान है। कहते हैं कि भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से जातक को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज हम जानेंगे साल 2022 के भाद्रपद मास के परिवर्तनी एकादशी व्रत की सही तारीख, क्योंकि कन्फ्यूजन है कि व्रत 6 सितंबर को रखना है या 7 सितंबर को। तो ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे और साथ में हम परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे और परिवर्तनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और परिवर्तनी एकादशी व्रत के नियम, और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और दोस्तों, जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ये आपका अपना चैनल है और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। परिवर्तनी एकादशी 6 सितंबर को है। माना जाता है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। जाने अनजाने में हुए पाप भी खत्म हो जाते हैं। अभी चतुर्मास चल रहा है, इस समय भगवान विष्णु क्षीर निद्रा में रहते हैं और परिवर्तनी एकादशी पर शयन के दौरान करवट बदलते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है और पूजा के बाद कथा पढ़ने का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिना कथा का श्रवण की व्रत पूरा नहीं होता, व्रत खंडित हो जाता है, या फिर यूँ कहिए कि व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो व्रत की कथा का खास महत्व होता है। चाहे आप कोई भी व्रत रखते हैं तो उसकी कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। तो मैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी, पद्म एकादशी भी कहा जाता है और इस एकादशी के व्रत की कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। श्री कृष्ण ने कहा था कि इस कथा को मात्र पढ़ने से व्यक्ति के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। कथा के अनुसार त्रेता युग में दैत्यराज बलि भगवान विष्णु का परम भक्त था। इंद्र से वैर के कारण राजा बलि ने इंद्रलोक में आक्रमण कर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया था और सभी देवी देवता उसके अत्याचार से डरे हुए थे। इंद्र समेत सभी देवताओं ने राजा बलि के भय से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने देवताओं को बलि के डर से छुटकारा दिलाने का आश्वासन देते हुए वामन अवतार लिया था और फिर दैत्यराज बलि के पास पहुँचे। दैत्यराज बलि के पास पहुँच गए, यहाँ उन्होंने बलि से 3 पग भूमि दान में मांग ली थी। बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। वामन देव ने अपना विकराल रूप धारण किया, यानी कि वामन देव ने अपना विकराल रूप धारण करके 1 पग स्वर्ग नाप लिया और दूसरे से धरती। तीसरे कदम के लिए जब कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और बोले कि तीसरा कदम यहाँ रख दीजिए। वामन देव राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन देव ने
फलस्वरूप राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग बलि के सिर पर रखा तो वो पाताल लोक को चला गया था। ये थी परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को सुनने से, इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए अब जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी का महत्व। दोस्तों, परिवर्तिनी एकादशी का व्रत मोक्ष प्राप्ति का फल प्रदान करता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत का बहुत प्रभावकारी फल प्राप्त होता है, बहुत लाभकारी माना जाता है। धर्म ग्रंथ के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के पांचवें अवतार भगवान वामन रूप की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से पाप कर्मों का नाश हो जाता है। आइए जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में भाद्रपद परिवर्तिनी एकादशी 6 और 7 सितंबर को होगी, यानी कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर को प्रातःकाल 5:54 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 सितंबर को सुबह 3:04 पर। व्रत के पारण का समय होगा 7 सितंबर प्रातःकाल 8:19 से 8:35 तक और 8 सितंबर को प्रातःकाल 6:08 से 8:35 तक। यानी कि परिवर्तिनी एकादशी जो है वो दो दिन है, 6 को भी है और 7 को भी है। अब अगर आप 6 को व्रत रखते हैं तो फिर आप 7 सितंबर के प्रातःकाल 8:19 से 8:35 तक पारण कर सकते हैं, और अगर आप 7 सितंबर को व्रत रखते हैं तो फिर 8 सितंबर के प्रातःकाल 6:08 से 8:35 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, एकादशी व्रत दशमी से शुरू होकर द्वादशी तक चलता है, यानी कि 3 दिन तक चलता है। दशमी के दिन सात्विक भोजन कर लेना चाहिए। सात्विक भोजन यानी कि जिसमें प्याज लहसुन ना हो और नॉन वेज का सेवन ना करें, सात्विक भोजन करें। एकादशी तिथि को प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करनी चाहिए। पूजा में सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और तिलक करें और फिर पीले फल फूल पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर व्रत की कथा पढ़ें या सुनें और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, फिर आरती करें। और गणेश महोत्सव का दोस्तों समय चल रहा है, इसलिए आज के दिन सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन करना शुभ होता है। इस तरह विधि विधान के साथ पूजा के बाद अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत के नियम। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत के नियम 3 दिन तक होते हैं। तीनों ही दिन इन नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत फलाहार करने की मान्यता है, संभव हो तो व्रत फलाहार करना चाहिए और इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, जैसे कि अल्कोहल का सेवन ना करें, नॉन वेज का सेवन ना करें और चावल का सेवन भी ना करें। एकादशी व्रत में चावल का सेवन करना वर्जित माना जाता है और इस व्रत में कांसे के बर्तन में भी भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि एकादशी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी परिवर्तनी एकादशी व्रत के उपाय। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत सभी एकादशी तिथियों में खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन श्री हरि शयन के समय करवट बदलते हैं। परिवर्तिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से जातक की मनोकामना पूरी होती है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस दिन भगवान विष्णु का केसर मिले दूध से अभिषेक करना शुभ होता है। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है,
एकादशी के दिन प्रदोष काल में तुलसी के पौधे पर घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और धन की कमी नहीं रहती है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन आप तुलसी के पौधे में जल अर्पित न करें और पत्ते भी न तोड़ें। पूजा के लिए आप एक दिन पहले पत्ते तोड़कर रख सकते हैं, यानी कि तुलसी के पत्ते पूजा में जरूर अर्पित करने हैं, लेकिन एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा। तो ये थी परिवर्तनी व्रत की जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।